वेलकम टू आयोटा स्टडी सर्कल। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th सीबीएसई 2023 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन है। अक्सर बेटा सर्किट वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपका बोर्ड में आएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा। क्वेश्चन का पार्ट ए है आपके पास, फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड बाई यूजिंग 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 20 ओम। आपसे मिनिमम रेजिस्टेंस पूछा है और वो रेजिस्टेंस कैसे बना है, 4 रेजिस्टर्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं 20 ओम के, 20 ओम के 4 रेजिस्टर्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें मिनिमम रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए आप मिनिमम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम रेजिस्टेंस हमारा कब आता है, जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं। इसका मतलब आपको 4 20 ओम के रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाना है और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट कर देना है। तो वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आपका मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। क्लियर, पैरेलल में हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस आपको मिलता है। तो चलिए पार्ट ए का सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। तो पार्ट ए में कहा कि 4 रेजिस्टर्स को आप पैडल में लगाइएगा। पैडल मतलब उन्होंने मिनिमम वर्ड यूज किया है। मिनिमम कब होता है बच्चों, जब हम चारों के चारों रेजिस्टर्स को कहां लगाते हैं, पैडल में। तो हमने इनको पैडल में कनेक्ट किया। कितने ओम के रेजिस्टर्स है चारों के चारों, 20 ओम 20 ओम एंड 20 ओम और 20 20 20 के 4 रेजिस्टर्स है। आपको बताना है इनका मिनिमम रेजिस्टेंस, राइट। तो मिनिमम रेजिस्टेंस तभी आएगा जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो लिख लेते हैं बच्चों, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको सब लोगों को बहुत अच्छे से आता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। बहुत बढ़िया, शानदार। R1 भी 20, R2 भी 20, R3 भी 20, R4 भी 20, यानी 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। या तो आप सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं, देखो 1/1 1/20, 2 1/20, 3 1/20 और 4 1/20। यानी इन चारों को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/R equivalent = 1 2 3 4। कितने 1/20 है, 4 1/20, यानी 4 × 1/20। या आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो आप इसको 4 से 20 को कैंसिल आउट करेंगे, 4 5 20, यानी 1/R equivalent = आएगा आपके पास 1/5। तो यहां से आप R equivalent की वैल्यू निकालेंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या पलट दीजिए आप। तो R equivalent = कितना आ जाएगा आपके पास, 5 ओम। तो मिनिमम रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 5 ओम। तो पार्ट ए का आंसर आ जाएगा 5 ओम। क्लियर, आगे चलते हैं बच्चों पार्ट बी की तरफ। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब बात करेंगे हम पार्ट बी की। देखो पार्ट बी को एक बार आप उससे ट्राई करो, इतने में इसको इरेज करता हूं। चलिए तो पार्ट बी में आपसे पूछा है क्या, पढ़ो जरा क्वेश्चन को फटाफट। पार्ट बी में कहा स्टडी दी फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड। इस सर्किट को आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा और आपको फाइंड करना है। पार्ट फर्स्ट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास ये एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट में हमारे पास एमीटर लगा हुआ है, ये हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टर्स है, ये 10 ओम का रेजिस्टर्स, ये 4 ओम का, ये 6 ओम का और ये 10 ओम का, और यहां पर हमारे पास वोल्ट मीटर लगा हुआ है, 5 ओम रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और ये एक बैटरी दी हुई है आपको 20 वोल्ट की, यहां पर हमारे पास की है। क्लियर, तो चलिए बच्चों इसका पार्ट फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमें फाइंड आउट करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको इस पूरे सर्किट का फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी से हम निकालते हैं बच्चों करंट। करंट जहां जहां सेम जाता है वो सब के सब रेजिस्टर्स आपके किस में होते हैं,
सीरीज में, और जहां जहां करंट डिफरेंट होता है वो सबके सब रेजिस्टर्स आपके होते हैं पैरेलल में। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप हमेशा करंट निकालो, बैटरी से हमने निकाला करंट आए, अगर हमारा सर्किट क्लोज होगा तो करंट आगे बढ़ेगा आए आए, ठीक है, इसमें भी करंट जाएगा बच्चों आए। अब करंट पहुंच गया बच्चों सर्किट के इस जंक्शन पर, इस वाले जंक्शन पर पहुंच गया करंट, आई करंट यहां से निकाला कोई दिक्कत नहीं, इस 10 ओम से भी आई करंट पास होकर गया। अब ये जंक्शन पर पहुंचा करंट, जंक्शन पर करंट हमेशा आपका डिवाइड होता है। अब ये आई करंट दो पार्ट में टूट जाएगा, मान लेते हैं इधर गया आई वन और नीचे वाली साइड गया बच्चों करंट आई टू, क्लियर। पीछे से करंट आई आया जंक्शन पर पहुंचा, जंक्शन पर आई करंट दो पार्ट में टूट गया, आई वन इधर गया और आई टू नीचे वाली साइड गया। अच्छा, आई वन करंट आगे जाएगा, यहां पर पहुंचेगा आई वन करंट, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आई टू करंट नीचे आएगा और इसमें से भी आई टू करंट जाएगा, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है करंट के पास, और इस वाले रजिस्टर से भी आपका आई टू करंट ही जाएगा, क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बस इतनी ही बात समझ लो, जहां पर आपको नजर आ जाए कि करंट जहां जहां सेम वहां वहां आप तुरंत सबसे पहले लगा दिया करो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन, जिस रेजिस्टर्स के क्रॉस करंट सेम है वहां वहां आप लगा देंगे क्या सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इतनी ही बात अभी हमने की, आगे अभी हमने बात नहीं की, हमें सिर्फ दो पार्ट में करंट सेम नजर आ गया कि इसमें भी बच्चों आई टू करंट जा रहा है 6 ओम के रेजिस्टर्स के क्रॉस और 4 ओम के रेजिस्टर्स के क्रॉस भी आई टू करंट, यानी इन दोनों में करंट सेम है, तो ये दोनों के दोनों हो जाएंगे आपके किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में। आगे नहीं, बस इतनी बात सोच लिया करो, जहां सीरीज में आपको करंट सेम आए तुरंत आप उनका क्या कर दो इक्विवेलेंट निकाल दो। तो हम इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, कितना आ जाएगा 6 और 4 का 10 आ जाएगा, डायरेक्ट एडिशन होता है, चलिए निकाल लेते हैं फिर भी। तो लिखेंगे 4 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज, ऐसे लिखना होगा आपको, 4 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं आर ई डैश, है ना, आर ई डैश इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, इसको हम आर वन प्लस आर टू नहीं, इनके ऑलरेडी नेम मेंशन है आर थ्री प्लस आर फोर, आर थ्री प्लस आर फोर, ये दोनों के दोनों किसमें है बच्चों सीरीज में। तो आर थ्री आपके पास 4 गिवन है, आर फोर आपके पास 6, 4 और 6 हो जाएंगे आपके पास 10 ओम। तो बच्चों इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ चुका आपके पास 10 ओम। क्या हम इन दोनों रेजिस्टर्स को हटाकर इन दोनों की प्लेस पर एक सिंगल लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप डायग्राम बनाना, मैं तो जस्ट यहां पर इनको रिमूव कर दूंगा और ये मेरा न्यू डायग्राम तैयार हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इन दोनों की प्लेस पर क्या लगा दूंगा, एक 10 ओम का रेजिस्टर्स मैं यहां पर लगा दूंगा, क्लियर। अच्छा, ये आपको डायग्राम फिर से बनाना होगा, चलिए। अच्छा, अब फिर से क्या करेंगे बच्चों, हम फिर से सर्किट से करंट निकालेंगे, यहां से करंट निकलेगा आए, करंट पहुंचा आए, जंक्शन पर पहुंचा करंट यहां पर आए, अब जंक्शन पर फिर से डिवाइड होगा, यहां पर करंट जाएगा आई वन और नीचे हम मान लेते हैं करंट जा रहा है आई टू। अब देखो बच्चों 10 ओम से करंट जा रहा है आई वन और नीचे वाले 10 ओम से भी करंट जा रहा है, नीचे वाले 10 ओम से करंट जा रहा है आई टू, है ना, ये ऊपर से आई टू आया, यानी इसमें करंट आई वन जा रहा है और इसमें करंट आई टू जा रहा है, तो ये दोनों के दोनों में करंट डिफरेंट है, तो ये दोनों के दोनों होंगे पैरेलल में, तो इन दोनों का पैरेलल में हम इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, क्लियर। तो लिखेंगे 10 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल, है ना, आर टू और ये जो हमारे पास आया इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, आया हमारे पास आर ई डैश 10 ओम, आर ई डैश कितना है 10 ओम, उन दोनों का इक्विवेलेंट, तो आर टू एंड आर ई डैश आर इन पैरेलल, क्यों, क्योंकि इन दोनों में करंट है बच्चों डिफरेंट, तो लिखेंगे आर टू एंड आर ई डैश आर इन पैरेलल। इसी तरह से आपको लिखना होगा, ये डायग्राम भी आपको दोबारा बनाना होगा, राइट। तो
पैरेलल में हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R1 अपॉन R इक्विवेलेंट। इसको मान लेते हैं R इक्विवेलेंट डबल डैश 1 अपॉन R E डबल डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R E सिंगल डैश। बहुत बढ़िया। अच्छा 1 अपॉन R2 हमारे पास बच्चों 10 ओम है और R E सिंगल डैश भी हमारे पास 10 ओम है। बहुत बढ़िया। तो इन दोनों का 10 एलसीएम ले लेंगे तो ये ऊपर न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा। तो यहां पर आएगा हमारे पास 2 अपॉन 10 यानी 1 अपॉन 5। 2 अंदर 2 2 5 इज 10 1 अपॉन 5। तो हमारे पास बच्चों 1 अपॉन R E डबल डैश आया 1 अपॉन 5। ठीक है तो यहां से हम R E डबल डैश कितना आ जाएगा, इसको पलट देंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो R E डबल डैश आया बच्चों हमारे पास 5 ओम। बहुत बढ़िया। यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया 5 ओम। तो हम इन दोनों को हटा देंगे और एक न्यू डायग्राम बनाएंगे राइट। और कितने का लगा देंगे इन दोनों के प्लेस पर 5 ओम का एक रेजिस्टर्स लगा देंगे। चलिए तो मैं इन दोनों को हटा देता हूं 10 ओम के और इस वाले 10 ओम को, इन दोनों के प्लेस पर क्या लगा दूंगा बच्चों 5 ओम का एक सिंगल रेजिस्टर लगा दूंगा यहां पर। यस तो ये मैंने यहां पर लगा दिया 5 ओम का सिंगल रेजिस्टर। ये इसको हमने क्या माना R E डबल डैश, इतना आया 5 ओम। बहुत बढ़िया शानदार। चलिए अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, आपको डायग्राम दोबारा से प्लॉट करना है ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, क्या मैं इस कैलकुलेशन को इरेज कर दूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायग्राम में ये मेंशन कर रखी है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब बच्चों फिर से आप सर्किट से करंट निकालेंगे और देखेंगे करंट कहां कहां पर सेम है। जहां जहां करंट आपका सेम वहां वहां सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे, जहां जहां करंट डिफरेंट वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लगाएंगे। अब क्या करेंगे हम, अब फिर से सर्किट से करंट निकालेंगे। यहां से करंट निकला आई बच्चों, आई करंट आगे जाएगा फिर ये, क्योंकि हमारे पास करंट को डिवाइड करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। 10 ओम से भी आई जाएगा, फिर आगे 5 ओम से भी बच्चों आई ही करंट जाएगा। यहां पर भी करंट कितना पहुंचेगा आई। अब यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अब बच्चों करंट फिर से कहां पहुंचा, इस जंक्शन पर करंट पहुंचा और जंक्शन के क्रॉस ऊपर वाली साइड लगा हुआ है 5 ओम के रेजिस्टर्स के क्रॉस क्या लगा हुआ है वोल्ट मीटर। क्या बच्चों यहां पर करंट टूटना चाहिए, क्या यहां पर वोल्ट मीटर में कुछ करंट जाएगा। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत 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 हाई होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से वोल्ट मीटर में करंट की वैल्यू ना के बराबर होती है। यानी ये करंट आई आगे पहुंचेगा तो हो सकता है बच्चों ये करंट आ रहा हो 10 एम्पियर का करंट आ रहा हो, तो अगर मैं बात कर रहा हूं वोल्ट मीटर में जो करंट जाएगा वो 0.00001 एम्पियर करंट इससे जाएगा जो कि ना के बराबर है। बाकी बचा हुआ पूरा करंट कहां पहुंचेगा 5 ओम से पास होएगा। तो हम वोल्ट मीटर से पास होने वाले रेजिस्टेंस को ना के बराबर मान लेते हैं यानी नेगलेक्ट कर देते हैं और पीछे से जो करंट आ रहा होता है वो पूरा का पूरा करंट 5 ओम से वापस चला जाता, 5 ओम से पास होकर जाता है। देखो मैं आपको फील दिलाता हूं, देखो अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो वोल्ट मीटर के क्रॉस करंट की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। मान लेते हैं वोल्ट मीटर, एक हमारे पास बैटरी है 20 वोल्ट की बैटरी, सपोज ये 5 मान लेते हैं हमारे पास वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई है ना। तो अगर मैं बात करूं वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा और 20 वोल्ट की सप्लाई से हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है, मान लेते हैं वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बच्चों हम मान लेते हैं कितना, सपोज 20 लाख है ना, कितना मान लेते हैं 2 लाख मान लेते हैं ना, 2 लाख ओम हमने रेजिस्टेंस माना। वोल्ट मीटर कितनी वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ है, 20 वोल्ट की बैटरी से, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। अब चेक करते हैं करंट की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर वोल्ट मीटर से कितना करंट पास होएगा। ठीक है
तो V is equals to Ohm's law लगाएंगे, IR, V कितना है आपके पास 20, I कितना है नहीं मालूम, और resistance आपके पास given है 2 लाख, कितना है 2 लाख, बहुत बढ़िया, कितना है बच्चों 2 लाख। चलिए तो करंट की वैल्यू निकालेंगे ऐसे, I is equals to 20 डिवाइडेड बाय 2 लाख, क्लियर, 20 डिवाइडेड बाय 2 लाख। अच्छा तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, और 2 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2 1 2 3 4, तो 1 डिवाइडेड बाय 10,000 मतलब 0.0001। और देखो वोल्ट मीटर से, अगर वोल्ट मीटर 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है और उसका रेजिस्टेंस अगर बहुत हाई होगा तो करंट कितना पास होगा, 0.0001 एम्पियर करंट पास होगा, इतना कम करंट पास होगा। तो इसीलिए हम वोल्ट मीटर से इस वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। तो वोल्ट मीटर से पीछे से जो करंट आ रहा है, यहां से वोल्ट मीटर से जो करंट पास होएगा वो बहुत कम पास होएगा, क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर को डिजाइन ही ऐसा किया जाता है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो पीछे से जो करंट पास होएगा, हम मान लेते हैं इससे कोई करंट पास नहीं होगा वोल्ट मीटर से, तो सारा का सारा करंट किससे जाएगा, 5 ओम से करंट जाएगा। क्या बात है, अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, मैंने थोड़ा सा ये आपको प्रैक्टिकली फील करके दिखाया है, प्रैक्टिकली कैलकुलेशन आपको दिखाई। चलिए तो ये पीछे से जो करंट आ रहा है, आए पूरा का पूरा करंट R1 से पास होएगा, यानी अब देखो यहां से 10 ओम से भी आए करंट पास हो रहा है, 5 ओम से भी करंट आए पास हो रहा है, और इस वाले 5 ओम से भी करंट आए पास हो रहा है। इन सब से करंट सेम है, इन सब में करंट सेम है, तो इस सब के सब सीरीज में है। क्या बात है तो लिखेंगे R1 कॉमा R E डबल डैश एंड R5 आर इन सीरीज। बहुत बढ़िया, तो इक्विवेलेंट अब तो फाइनल, और कुछ तो लगा हुआ नहीं है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, R1 प्लस RE डबल डैश प्लस R5। क्या बात है, R1 कितना है आपके पास 5 ओम, RE डबल डैश भी 5 है, और R5 आपके पास 10, 10 और 10 20 ओम। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस सर्किट का, 20 ओम। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं बीच में, क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए पार्ट फर्स्ट हमारा क्लियर हो चुका, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, इसको नोट कीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया इस पूरे सर्किट का, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, पार्ट फर्स्ट का आंसर है 20 ओम। वेरी गुड, चलिए आगे पार्ट सेकंड में आपसे क्या पूछा बच्चों, पार्ट सेकंड में पूछा करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी, बैटरी से कितना करंट निकल रहा है। हमें इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता है 20 ओम, और बैटरी हमें पता है पूरे सर्किट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट गिवन है जब 20 ओम, और पूरा पोटेंशियल हमें गिवन है कितना 20 वोल्ट, तो हम क्या करंट नहीं निकाल सकते, टोटल करंट कितना निकलेगा वो आप निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू IR, क्लियर, V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। तो V कितना आपके पास 20 वोल्ट, I आपको नहीं गिवन है, R इक्विवेलेंट है 20, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 डिवाइड में पहुंच जाएगा 20/20 यानी 1 एम्पियर, कितना आएगा बच्चों 1 एम्पियर। पार्ट सेकंड का भी आपका आंसर आ चुका, पार्ट फर्स्ट का भी आंसर आ चुका, कितना आया 1 एम्पियर। तो इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है, आई की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर का करंट इस बैटरी से निकल रहा है। चलिए तीसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, तीसरे पार्ट में आपसे क्या पूछा है। चलिए तो पार्ट सेकंड का आंसर मैं लिख देता हूं यहां पर, पार्ट फर्स्ट का आंसर आया 20 ओम, पार्ट सेकंड का आंसर आया 1 एम्पियर, बहुत बढ़िया। अब पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं, पार्ट थर्ड में आपसे क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर्स। अब ये डायग्राम आपका पुराना वाला ही है, फर्स्ट वाला डायग्राम बनाऊंगा मैं, फिर से मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर इस पार्ट थर्ड को पढ़ते हैं, राइट। चलिए
तो ये हमारे पास फिर से मैंने पुराना वाला जो हमारा ओरिजिनल डायग्राम था उस डायग्राम को बनाया। अब पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। पार्ट थर्ड में आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर्स। तो यहां पर 5 ओम का रेजिस्टर कौन सा, ये 4 है, ये 6 है, ये 10, ये 10, तो ये है 5 ओम का। 5 ओम के रेजिस्टर्स के अक्रॉस आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बताना है 5 ओम के रेजिस्टर्स के अक्रॉस? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका रेजिस्टेंस तो बच्चों हमें मालूम है। अगर मुझे किसी तरह से इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू मिल जाए, करंट की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, अगर वो करंट मिल जाए तो मैं ओम्स लॉ लगाकर V=IR से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकता हूं। अच्छा, तो चलिए देखते हैं। तो इस वाले रेजिस्टर से कितना, अब करंट की बात कर लेते, करंट कितना पास हो रहा है, राइट? तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम। हमने बैटरी से टोटल करंट कितना निकल रहा था बच्चों? 1 एम्पियर हमने करंट निकाला था। अब ये 1 एम्पियर करंट आगे बढ़ा, यहां पर टूटा होगा, यहां पर मान लेते आई करंट आगे बढ़ा, यहां पर करंट टूटा होगा, यहां पर आई वन गया होगा बच्चों, और यहां पर आई टू करंट गया होगा। अब ये नीचे, इसमें से नीचे से आई टू करंट आ रहा है, नीचे से I2 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, और ऊपर से I1 करंट आ रहा है, और I1 I2 जाकर इस जंक्शन पर मीट हो रहे हैं, I1 I2 जाकर इस जंक्शन पर मीट होंगे, तो इस जंक्शन से बाहर कितना करंट जाएगा बच्चों? I करंट। अच्छा, अब इस जंक्शन से I करंट जा रहा है और हमने इस जंक्शन पर पहुंचा कितना? I करंट, दोनों I1 I2 मीट होकर। अब हमने बोला वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से इसमें कोई करंट पास नहीं होता, तो पूरा का पूरा आई करंट किससे पास हो जाएगा? इस रेजिस्टर से। यानी आई की वैल्यू कितनी थी? 1 एम्पियर। तो 5 ओम से कितना करंट पास हो रहा है? 1 एम्पियर। क्या बात है! तो करंट हमें मालूम है कितना? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर, क्योंकि पूरा आई करंट इससे पास हो रहा है, 1 एम्पियर। और हमें रेजिस्टेंस मालूम है R1 कितना है? 5 ओम। क्या हम V1 निकाल सकते हैं? इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा V1, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ लगाएंगे, V=IR1, I की वैल्यू 1, रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? 5, तो 5 × 5 वोल्ट। तो 5 ओम के रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की असाइनमेंट होती है वोल्ट। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 2023 का फिनिश। आई होप आप लोगों को ये पूरा बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से बेटा हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, न्यू क्वेश्चंस आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज लाते रहेंगे। आप लोग जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।